हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। शोमू मित्रास के क्रिएटिव कनेक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट ने रखे सरस्वती पूजा में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुए शामिल। शोमू मित्रा के क्रिएटिव कनेक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। इस साल क्रिएटिव कनेक्शन की ओर से सरस्वती पूजा का पांचवा साल रहा, जहां कई सारे सेलिब्रिटीज अपने मन में कुछ ख्वाहिशें लेकर माँ सरस्वती की पूजा में शामिल हुए। इसमें से कुछ में सिंगर बप्पे लहरी भी शामिल रहे, जहां भजनकार अनूप जलोटा ने भी स्टेज पर कुछ भजन गाए और परफॉर्म किया। यहां आए सभी गेस्ट ने सरस्वती पूजा की बात की और साथ ही में सभी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। इसी के साथ कुछ एक ने बिग बॉस के बारे में भी बात की और अपनी राय बताई। No, I don't. I'm a Muslim, so I don't. But I'm always there for, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो, हम इंडियन हैं, हम यहाँ पर हैं, तो हमारा भी फेस्टिवल है, हमारे दोस्त हैं, तो हम सब उनके साथ वही सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, सेम थिंग। नहीं, अब क्या 2020 ख़त्म हो गया, अब तो फरवरी आ गया, ख़त्म हो गया, अब तो फरवरी आ गया। अरे कहाँ स्टार्ट हुआ, वो तो 31 दिसंबर को स्टार्ट होता है, फर्स्ट को ख़त्म हो जाता है। बड़े प्यार से अरेंज करती हैं, बड़े प्यार से शोमू ऑर्गेनाइज करती हैं, और हम सब कलाकार सरस्वती माँ के भक्त हैं, उन्हीं के स्वरों को गाते हैं, जो उनकी देन है वही प्रस्तुत करते हैं, तो हम सब यहाँ आते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। और आज भी मैं हाजिर हूँ, गाऊँगा, और भी बहुत से कलाकार हैं, सभी आते हैं, सब गाते हैं, और सब बड़ी खुशी से आते हैं, अपने मन से आते हैं। विधु विनोद चोपड़ा ने होस्ट की फिल्म शिकारा की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म शिकारा 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है और स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने आज मुंबई में अपने करीबी दोस्तों के लिए और कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और इस मौके पर कुछ एक मिनट तक फिल्म भी दिखाई गई। फिल्म दिखाए जाने के बाद यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा, अभिजीत जोशी सभी बहुत ही इमोशनल नजर आए। 30 मिनट के स्क्रीनिंग के बाद सभी ने यहाँ पर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया और बताया कि कैसे इस फिल्म की 7 से 8 साल की जर्नी रही है और उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। स्क्रीनिंग के बाद डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने सभी कश्मीरी पंडितों को अपने साथ बुलाकर हग किया और सभी के साथ फोटो भी निकलवाए। गया, ये दूसरी बात है कि हमने बड़ी हिम्मत करके अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा रखा, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। हाँ, मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर किया ये फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे मरने से पहले कि बेटा, हो सके तो कश्मीर पे हम पे एक फिल्म ज़रूर बनाना। तो 2007 में आफ्टर शी डाइड, उसी साल मैंने 2008 में मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा। 11 साल हो गए, अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ 5-6 साल काम करते रहे, बहुत मेहनत हुई, लेकिन एंड में हमने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि हम सब उस काम को लेके काफ़ी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम था ये कहानी सुनाना लोगों को, और ये कहानी ऐसे सुनाना कि लोग आके देखें फिल्म। आज कोई फिल्म देखने जाता है, आप पीवीआर में कहीं आते हैं तो 200-400 की टिकट होती है। हम ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि 2 लोग देखें और बोलें हाँ यार ये बड़ा बुरा हुआ। हम ये फिल्म बनाना चाहते थे कि आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में होप है, हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं, हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम लोग सरकार के आगे हाथ फैला के नहीं खड़े हुए, हम अपने पैरों पे खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। शॉर्ट फिल्म गांधी के स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करने पहुंचे सुभाष घाई। बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घाई, जिन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी है और जो फिल्म कांचे के बाद कुछ गायब से हो गए थे, वो पूरे 5 साल बाद अब फिर एक बार बड़े पर्दे पर ही ना सही, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म के साथ अपना कमबैक कर रहे हैं। एक्टर मनोज बाजपेयी के संग बनी फिल्म गांधी टाइमलेस लेटर गांधी पर उठे कुछ सवालों का जवाब देती है। मीडिया से बात करते वक्त सुभाष घाई ने कहा कि मेरा मकसद इस फिल्म से लोगों को एंटरटेन करना नहीं था, बल्कि फिल्म से कनेक्ट करवाना था। सुभाष घाई ने बताया कि मैंने इस फिल्म को बनाते वक्त प्रॉफिट या लॉस के बारे में भी नहीं सोचा था।
इसलिए जब मैंने ये आइडिया मनोज को बताया तब मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी सेकंड थॉट के मुझे हाँ कह दिया। सुभाष घाई ने ये भी बताया कि अब वो एक फिल्म के साथ अपना कमबैक भी बहुत जल्द ही करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। Originated 200 years back, rather sometime 1000 years back rather. But he reinvented because that time everyone was had to wear the imported clothes and people could not afford that. Yes, and that I think is a yes. Big language of revolution. Yeah. So that is what he said ki, let's do one thing, kapas uthate hain, apne ghar mein banate hain, usko kaatte hain, usse hum log apne dhoti banate hain, kapda banate hain. From where, you see, this called origination, where he originated a spirit in the people. Exactly. It is not a charkha. Yes. It is not a kapas. Yes. It is a spirit within the people. That India is becoming independent. Ji. Yes. Yeah. The whole symbol is about, even today, as he said that, we should have Indian goods. Yes, yes. Aaj bhi hum so, business tastes within India. Even today, India is the biggest consumer. Yes. India is not a producer. True. Which is very sad. India should be the producer. But abhi hum log because 130 crore log hain lekin grahak hain sab videshi kamaa ke videshi samaan ke kamaa to ho rahe hain mehnat hame karni padti hai ye matlab tha sir. Any other question please? Film dekhte waqt mujhe sabse pehla sawal dimag mein aa raha tha wo ye tha ki commercials the kya film banate waqt kis ideology ke saath mein lekar chale 300% nahi 300% नहीं थी क्योंकि मैंने उनसे पहले कह दिया था कि मैं किसी विचारधारा को लेकर फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं एक लेखक हूँ, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। व्यास ने अगर राम लिखी है तो रामन भी उतना ही पावरफुल है जितना राम है। जिस वक्त कोई ड्रामेटिस्ट प्ले लिखता है वो कभी भी दृष्टिकोण नहीं रखता है, वो कैरेक्टर्स के दृष्टिकोण में रखता है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है कि सच्चाई उस प्ले में तभी आएगी जब आप कैरेक्टर से जुड़े होंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था अंश का और मामा का, तो मैं अंश के साथ भी उतना ही था। उसका बोल्ड कहना कि आई डोंट लाइक गांधी, चिल मामा, एनफ इज एनफ। इट स्टार्ट्स विद अ होल नेगेटिव अप्रोच इफ यू लुक एट इट। बसंत पंचमी के मौके पर सिंगर बप्पी लहरी के गद्दे की सरस्वती पूजा। इस मौके पर बप्पी लहरी और उनके फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त सभी सरस्वती पूजा में प्रेजेंट हुए थे। सभी ने मीडिया से बातें की और बताया कि हर साल वो इस पूजा में शामिल होते हैं और सरस्वती जी का उन पर आशीर्वाद है। इस सरस्वती पूजा के दिन बप्पी लहरी और उनके फैमिली मेंबर्स सभी बहुत ही खुश दिखे हैं। सब लोग हमको पूछते हैं जो बप्पी लहरी का क्या है, सपना क्या है। 50 साल हो गया, 50 इयर्स आई हैव कंप्लीटेड, द 50 इयर्स कंप्लीटेड मींस एक 50 साल में सब समझ सकते हैं म्यूजिक की दुनिया में। 1969 में मेरा पिक्चर रिलीज हुआ था दादू, बंगाली पिक्चर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। उसके बाद अभी जो आ रहा है सब कुशल मंगल और शुभ शुभ मंगल जो पिक्चर आ रहे हैं, शुभ मंगल जो है मेरा सुपरहिट गाना है यार मेरा चैन कहाँ रे, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो आयुष्मान स्टार, तो एनीवे इतना बड़ा जाने जो कर रहा हूँ दिलीप कुमार देवानंद टू आयुष्मान वरुण धवन रणवीर सिंह सब माँ का कृपा से, सब माँ का कृपा से है, माँ सरस्वती माँ का कृपा से। मेरा जीवन है संगीत संगीत संगीत, ये जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।